जी टीवी पर प्रसारित हुआ शो अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो एक ऐसा शो रहा जिसकी दुख भरी कहानी ने दर्शकों को काफी ज्यादा इमोशनल कर दिया था। इसीलिए तो उस समय इस सीरियल से दर्शकों की काफी ज्यादा अटैचमेंट थी और यही वजह रही कि दर्शक इस सीरियल को देखना काफी ज्यादा पसंद करते थे, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है सीरियल की पूरी स्टार कास्ट को, जिन्होंने अपने अच्छे प्रदर्शन से सीरियल की कहानी को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया था। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में इस सीरियल को ऑफ एयर हुए करीब 9 नहीं बल्कि साल 2021 में 10 साल होने वाले हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस सीरियल में नजर आए वो सभी कलाकार साल 2021 में कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी उन सभी कलाकारों से रूबरू होना चाहते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और साथ ही इस दमदार सीरियल के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर एक, दीपिका कक्कड़। सीरियल में लाली की बहन रेखा का किरदार अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ ने निभाया था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रेखा के किरदार से प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ साल 2021 में 6 अगस्त को 36 साल की उम्र कंप्लीट कर लेंगी। इसी के साथ आपको बता दें कि अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ आज भी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, जो हाल ही में आए शो कहां हम कहां तुम में नजर आई थी। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि जहां ये शो में काफी साधारण नजर आई थी, तो वहीं इन बीते सालों में ये काफी ज्यादा खूबसूरत, स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आती हैं, जो कि आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। आपको बता दें कि दीपिका कक्कड़ ने अपने को एक्टर शोएब इब्राहिम के साथ शादी भी रचा ली है और उन्ही के साथ आज वो मुंबई में रहती है। नंबर दो, सुकृति कांडपाल। सिद्धेश्वरी सिंह का किरदार अभिनेत्री सुकृति कांडपाल निभाते हुए नजर आई थी, जो कि बीते 10 सालों बाद यानी कि साल 2021 में 20 नवंबर को 34 साल की उम्र कंप्लीट कर लेंगी। इसी के साथ आपको बता दें कि सीरियल में सादगी भरे अंदाज में नजर आई अभिनेत्री सुकृति आज काफी स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव नजर आती हैं, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। बता दें कि काफी सालों से ये इंडस्ट्री से दूर थी, पर इन्होंने हाल ही में दोबारा से कमबैक किया है, जो स्टोरी 9 मंथ्स की में नजर आ रही हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि इन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बसाया है, जो कि अपनी मम्मी के साथ मुंबई में रहती हैं। नंबर तीन, मुकुल हरीश। अभिनेता मुकुल हरीश ने मधुर सिंह की भूमिका निभाई थी और इस किरदार के साथ वो काफी पॉपुलर भी हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुर का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अभिनेता मुकुल हरीश आने वाले साल 2021 में 13 जून को 26 साल के हो जाएंगे। इसी के साथ इन बीते 10 सालों में ये पहले के मुताबिक काफी ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग हो चुके हैं, जो कि इन तस्वीरों में भी साफ साफ देखा जा सकता है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस सीरियल के बाद ये आखिरी बार उड़ान सीरियल में नजर आए थे और आज ये इंडस्ट्री से दूर हैं और एक अच्छे मौके की तलाश कर रहे हैं। बता दें कि आज भी ये पहले की तरह सिंगल ही हैं। नंबर चार, सुदेश बेरी। इस सीरियल में लोहा सिंह का किरदार अभिनेता सुदेश बेरी ने निभाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोहा सिंह का किरदार निभाकर लोगों का दिल जीतने वाले अभिनेता सुदेश बेरी इन बीते 10 सालों बाद यानी कि साल 2021 में 20 जुलाई को 61 साल के हो जाएंगे। इसके बावजूद इस उम्र में भी ये काफी ज्यादा फिट नजर आते हैं, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज भी सुदेश बेरी ने अपने करियर को बरकरार रखा है, जो वर्तमान में शक्ति अस्तित्व के एहसास की शो में हरक सिंह का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ये अपनी पत्नी सरिता बेरी के साथ मुंबई के अंधेरी वाले फ्लैट में रहते हैं। नंबर पाँच, अभिषेक रावत। इस सीरियल में मुख्य शेखर सिंह का किरदार अभिनेता अभिषेक रावत निभाते हुए नजर आए थे। लेकिन इन 10 सालों के मुताबिक देखा जाए तो ये साल 2021 में 26 सितंबर को 41 साल की उम्र कंप्लीट कर लेंगे और इन सालों में ये पहले के मुताबिक और भी ज्यादा स्टाइलिश और डैशिंग नजर आते हैं, जो कि आप इनकी पहले और अब की तस्वीरों को देखकर साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं।
वर्तमान में इन्होंने अपने करियर को विराम दे दिया है, इसीलिए इन्हें आखिरी बार साल 2017 के सीरियल तेनाली राम में देखा गया था और आज ही अपनी पत्नी अंजलि मेनन के साथ लोखंडवाला में खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। नंबर 6, रतन राजपूत। सीरियल में लाली का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का असली नाम है रतन राजपूत, जो कि शो में एक बहादुर लड़की के किरदार में नजर आई थी। लेकिन इन 10 सालों के मुताबिक देखा जाए तो साल 2021 में रतन राजपूत 20 अप्रैल को अपनी 34 साल की उम्र कंप्लीट करेंगी। साथ ही सीरियल में सादगी भरे अंदाज में नजर आई अभिनेत्री रतन राजपूत काफी ज्यादा मॉडर्न एंड गॉर्जियस हो चुकी हैं, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में रतन इंडस्ट्री से कोसों दूर हैं, जिन्हें आखिरी बार संतोषी माँ सीरियल में देखा गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बिजनेसमैन अभिनव कोहली से डिवोर्स लेने के बाद आज ये मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। तो दोस्तों, आपको इस सीरियल में किस कलाकार का अभिनय सबसे ज्यादा खास लगा था, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।